हेलो दोस्तों, सुनने से याद रखना दोस्तों, सुनने से ही शुरुआत है और सुनने ही अंत है, सुनने बिना कुछ नहीं। तो सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, जो लूनी नदी है उसकी जो प्रवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी बेस्ट्रिक और लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनकी ट्रिक के बारे में हम बेसिक पढ़ेंगे। तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ, तो दोस्तों लूनी नदी के बारे में नॉर्मल है कि लूनी नदी को अंतःसलिला भी कहते हैं। अंतःसलिला, इसका नाम किसने दिया? अंतःसलिला नाम दिया था कालिदास ने। लूनी नदी को कालिदास ने अंतःसलिला कहा। इसका दूसरा नाम है सरगावती, रेलनाडो, मीठी खाड़ी, मरुस्थल की गंगा, ये सभी, और लवणवती, ये इनके लूनी नदी के नाम हैं। सरगावती नदी इसका नाम वहाँ है जहाँ से ये निकलती है, नाग पहाड़ से, तो वहाँ इसका नाम है सरगावती नदी। तो इसकी ट्रिक है, देखते हैं दोस्तों। आओ, लूनी कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो बोल रही है कि लूनी नाना पाल पे जो बाबा है उसके पास जाओ। लूनी बोली कि नाना पाल पर जो बाबा है उसके पास जाओ, यानी लूनी नाना पाल जो बाबा के पास जाओ। तो लूनी से लूनी नदी हो जाएगा, नाना से हो जाएगा दोस्तों, पहले ना का अर्थ तो हो जाएगा इसमें नाग पहाड़, पहले का नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, दूसरा है फिर नाग पहाड़ अजमेर से निकल के नागौर में जाती है, तो दूसरे ना का अर्थ है नागौर, और फिर पाल से इसका अर्थ हो जाएगा पाली, जो से हो जाएगा जोधपुर, बा से हो जाएगा दोस्तों बा, दो बा है इसमें, एक बा का अर्थ है बाड़मेर और दूसरे वाले बा का अर्थ है इसमें, एक बा का अर्थ हो गया इसमें बाड़मेर और दूसरे बा का अर्थ है बालोतरा, और बालोतरा से दोस्तों क्या है, बालोतरा से पहले तो ये मीठी होती है और बालोतरा के बाद में ये आगे जाती है तो वो खारी हो जाती है, और फिर इसके आगे फिर के को छोड़ देना दोस्तों, पास को छोड़ देना, आगे आओ जा, जा से हो जाएगा जालौर और ओ से हो जाएगा दोस्तों अरब सागर के कच्छ के रण में गिरती है। तो दोस्तों इसकी ये ट्रिक है, इसको 10 से 12 बार पढ़ लेना, जिससे ये आपको याद हो जाएगी, फिर इससे आप भूल नहीं सकोगे। और कभी भी पूछ ले भाई लूनी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, और ये कहाँ पे इसका जल खारा या मीठा रहता है, कहाँ तक इसका जल मीठा रहता है और उसके आगे खारा होता है। तो इसकी ट्रिक है, लूनी बोलती है नाना पाल पर जो बाबा है उसके पास जाओ, तो इसकी ये ट्रिक है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी सहायक नदियों की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों कि जख्मी बोल दो या जोखमी बोल दो, जख्मी भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए कि जख्मी सासू तो सुना होगा, अधिकतर कहते हैं जख्मी सासू भी बोल दो, चाहे बोल दो जोखमी, तो जो से तो हो जाएगा जोजड़ी, जो से हो जाएगा जोजड़ी, ख से हो जाएगा खारी, मी से हो जाएगा मीठड़ी, सा से हो जाएगा इसका, सा से कौन सी, सागी, सू से क्या हो जाएगा, सू से हो जाएगा सूकड़ी, जवाई से क्या हो गई, जवाई नदी, बा से हो जाएगा बांडी नदी, लून से हो जाएगा लूनी नदी, लीला से हो जाएगा लीलड़ी नदी, और लीला का अर्थ मतलब जंग से भी ले लो कि जंग, तो जंग से जकार छोड़ देना, ग से हो जाएगा गुइया। तो इसकी ट्रिक हो गई, जख्मी सासू की जवाई बा लून लीला, लून की लीला हो गई,
यानी जख्मी सासू क्या हुई, जख्मी सासू की जवाई बा यानी जवाई से लूण की लीला हुई, यानी लूण की क्या हुई, जंग हुई। तो याद रखना कि जख्मी सासू की जवाई बा लूण लीला हुई। तो जो से हो जाएगा जोजड़ी, ख से हो जाएगा खारी, मी से हो जाएगा मीठड़ी, सा से हो जाएगा सागी, सु से हो जाएगा सूकड़ी, जैसे जवाई से हो जाएगा जवाई, बा से हो जाएगा बांडी, लूण से हो जाएगा लूणी, और लीला से हो जाएगी लीलड़ी, और ये जो लास्ट का गय है उसका हो जाएगा गुइया। तो दोस्तों एक ट्रिक और है इसमें कि अगर आपको एक भी याद हो गई कि जोजड़ी, तो जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी और लीलड़ी, इस सभी में डे डे आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगी डे डे वाली जितनी भी नदियां हैं बाद में, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, लीलड़ी, तो ये सभी कौन सी नदियां हो जाएगी दोस्तों, ये सभी हो जाएगी लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना जिससे दोस्तों आपको हेल्प मिल सके। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।